और अब बाइक चल रही है लगभग 60-70 सही रोड आ गया ना भाई। अब So good morning guys and welcome back to the channel। लास्ट ट्रिप श्रीलंका की थी और ये वाला एकदम उसका अपोजिट हिमालयाज़, जहाँ पर ना ही नेचर आपको श्रीलंका जैसा मिलेगा, ना ही कंडीशन आपको श्रीलंका जैसी मिलेंगी और ना ही वेदर आपको श्रीलंका जैसा मिलेगा। प्लेस रामपुर, डिस्ट्रिक्ट शिमला, यानी हिमाचल प्रदेश। तो लगभग आप लोगों को मैंने एक वीडियो में बता दिया था कि जो मेरी नेक्स्ट ट्रिप होने वाली है वो स्पीति की होने वाली है, और शायद इस ट्रिप में मैंने ऐसा ही बोला था कि मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। और ये वाली ट्रिप मेरी जो अब तक की जितनी भी ट्रिप्स हैं उन सब से अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि पहली बात मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, दूसरी बात मैं ना ही तो हिच हाइक करके जा रहा हूँ और ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा हूँ। अब की बार मैं जा रहा हूँ बुलेट ठट। वैसे हमने कल ही स्टार्ट की थी बाइकिंग, शिमला में हमने बाइक रेंट पर ले ली थी, और बाइक रेंट पर लेने के बाद हम कितना किलोमीटर आ गया आमिर? 130 के करीब। अरे यार पहले आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मीट माई फ्रेंड आमिर। कुछ तो बोल, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है तो ऐसे बस भाई शर्माऊ लौंडा है ये, बिल्कुल ऐसा कुछ मत बोल, ठीक है? ये मतलब कि क्लास में भी कुछ नहीं बोलता था। ये सब हमने जरूरत नहीं है, नहीं बताऊंगा भाई। मैंने और आमिर ने ग्रेजुएशन एक साथ की है, और वो भी कहाँ से? शारदा यूनिवर्सिटी। द वर्ल्ड इज एयर भाई हम तो ऐसे ही बोलते थे यार। तो अब बात करते हैं कि हमने ट्रिप कैसे प्लान की और हमारा ट्रिप कितने दिन चलेगा। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है और अगर आपके पास खुद की बाइक है तो आपकी जो ट्रिप है ये काफ़ी सस्ती हो जाएगी। और जो लोग भाई जिनके पास खुद की बाइक नहीं है या फिर खुद की गाड़ी नहीं है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन वो काफ़ी अच्छा है। तो उन्हें बस देखे होंगे ना भाई, बहुत बसें हैं यार। मतलब कि दिल्ली से अगर आप सीधा स्पीति जाना चाहते हो तो रेकोंग पियो की रास्ते में, अभी हम स्पीति के अंदर अभी एंटर ही नहीं हुए, अभी हम शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रहे हैं। लगभग 130 से 140 किलोमीटर ही कवर किया था हमने कल, और उस 140 किलोमीटर के अंदर हमें कम से कम 10 बस मिल गई होंगी ना रेकोंग। मतलब हमें 10 बस मिल गई थी रेकोंग की, मिल गई रामपुर की। और दिल्ली से अगर आप रामपुर आना चाहते हो, लगभग लोग क्या करते हैं अगर दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली के बाद शायद शिमला की जगह सीधा रामपुर पहुँचते हैं, रामपुर में होल्ड लेके फिर आगे पूरी स्पीति को एक्सप्लोर करते हैं। और शायद हमारा जो स्पीति का पूरा सर्किट है वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि रोहतांग पास और शायद काजा के आगे एक पास और पड़ता है, वहाँ पर अभी बर्फ़ ज़्यादा जमी हुई है तो पास वो अभी खुले नहीं है। लेकिन जितना हो पाएगा हम कोशिश करेंगे कि आपको भी दिखा दूँ और हम भी एकदम ढंग से एक्सप्लोर कर लें। बाइक हमने ली थी कितने, 1200 रुपये ना, 1200 रुपये पर डे, और हमने रेंट की थी शिमला में। तो अगर आप शिमला में रेंट नहीं करना चाहते तो आप बाइक रेकोंग पियो में भी रेंट कर सकते हो, लेकिन हमने शिमला में रेंट कर ली थी। तो आप ऐसे प्लान कर सकते हो, जैसे दिल्ली में बस चलती है रेकोंग पियो की, शायद कितने बजे आमिर? 9 बजे थी ना, 9 रात के 9, 9:30 बजे बस चल के वो अगले दिन दोपहर के 3 बजे पहुंचा देगी। और अगले दिन से आप बाइक रेंट कर सकते हो, जैसे अपने वरुण भाई ने की थी। हमारा रूम 450 रुपये में एक दिन के लिए। सच्ची बताना हमें रूम कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा, सही है ना? 450 में, 450 में अच्छा है, यानी पर हेड 225 रुपये। और इतने में नॉर्मली हॉस्टल मिलते हैं, यहाँ पर आपको गर्म पानी मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यहाँ का वॉशरूम सही है भाई, साफ है। ये हो गया गीजर और ये अपना वॉशरूम। तो गाइज इस कैमरा से मैं बस इतनी वीडियो शूट करूँगा, और आगे की जो वीडियो होगी गोप्रो नहीं मैंने ख़रीदा नहीं है। आप में से लगभग लोग यात्री डॉक्टर यानी नवंकुर भाई को जानते होंगे, तो नवंकुर भाई से मेरी बात हो रही थी और नवंकुर भाई ने मुझे बोला कि भैया अगर आप और कहीं पे ट्रिप जा रहे हो तो मेरा गोप्रो लेके चले जाना। बोलते यार थैंक यू नवंकुर भाई। तो नवंकुर भाई से मैं कैमरा ले आया था। आज हमारी डेस्टिनेशन क्या होने वाली है? चितकुल। चितकुल, तो चितकुल तक जो भी वीडियो आप देखोगे सारी की सारी गोप्रो पे होगी, क्योंकि बाइक के ऊपर इस कैमरा को कैरी करना यार थोड़ा वो हो जाता है। ये कैमरा आप जाएगा बैग के अंदर और आगे की शूटिंग GoPro से। आमिर रेडी? एकदम बिल्कुल। अब निकलेंगे हमारी सवारी की ओर। कपड़े चेंज इसलिए क्योंकि भाई कल हम वीडियो अपलोड करने में लग गए थे, जो आपने अभी पार्ट देखा ना सिर्फ एक मिनट पहले, वो मैंने शूट किया था कल सुबह 10-11 बजे। तो यूट्यूबर्स की लाइफ में ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम स्मूथली चलता रहता है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल हम भी करते हैं। हेलमेट एक उधर 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 है, चले यहाँ पर नीचे बाइक नहीं आते, नहीं हम नीचे बाइक ही ले आते, सारा उठ के जाना पड़ता है ना हमें। सारा सामान उठा के कल तो 2 बार हो गया। अभी बाइक में सारा सामान पैक भी करना है। रामपुर का बाजार, भगवती होटल, लंबा पड़ता है। यहाँ की गलियों में एकदम बनारस वाली फील है। ये रही हमारी बाइक, उधर ले चलते हैं एक बार, वहाँ पे आसानी हो जाएगी। ठीक है ठीक है। हो गई हमारी पैकिंग। इधर हमारा कैंपिंग का सामान, ये मैट्रेस होगी, नीचे कैंप, ये स्लीपिंग बैग, ये आमिर का बैग, ये मेरा बैग। और कितना तेल अभी अभी है, डलवा लेते हैं, डलवा ही लेते हैं ना। बाकी अभी सनराइज भी हो रही है। राम राम जी। फुल कर दीजिए यार। ठीक है भैया, भाई बैग मारेगा थोड़ा। थोड़ी ठंड लग रही है, दिन में तो पड़ती है बहुत तेज धूप। आपको पता है पहाड़ों की जो धूप होती है वो कितनी तीखी होती है, और अब लग रही है ठंड। वेलकम टू किन्नौर। तो अब हमारी एंट्री हो गई है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। शांति मिलती है भाई सर्दियों में धूप मिलने के बाद। जगह का नाम क्या है? छोलटू। पराठे बना रहे हो ना अभी? बने बनाएंगे। क्या क्या खिला रहे हो भैया अभी आप? दाल है। दाल राजू है? अरे मजे ही आ गए। आमिर तक मुझे याद है भुवन एक बात बोलता है, भुवन बाम, तगड़ी ठंड इंग्लिश झंड, इस टाइप में कुछ बोलता है यार वो। मटर है ये? हिमाचल का ही मटर है या नीचे से आता है? यहीं का ही है। 1.5 घंटा चितकुल का। रोड अच्छा है या फिर खराब? आगे हमने अच्छी चला ली। 2 घंटे में हमने 70 हो गए ना, 70 अच्छी खींची ना। 3 पराठे, 2 अंडे, कुछ मूंगफली, 1 दही, 1 चाय। कितना? 160। कैसे हो भैया? 1 मटर खा लूँ मैं? हिमाचल के अंदर बैठ के हिमाचल के लोकल मटर खा रहे हैं। आपका शुभ नाम भैया? गोविंद। आपका? प्रदीप। यहीं के आप? नहीं, मैं आमिर। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जी। ओके भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हैं बेस्ट ऑफ जर्नी में। थैंक यू। चितकुल के लिए अलग रास्ता है ना, तो चितकुल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जा रहे हैं अभी सीधे जो हाई NH40 क्या ये NH5 है, तो NH5 से यहाँ से लगभग कितना 10 किलोमीटर बाद ही है ना राइट टर्न, 10 किलोमीटर करछम आएगा। करछम ऐसा ही बोला, सेम अच्छा ऐसा ही बोला, करछम से फिर राइट जाना है, राइट को जाना फिर इसी पहाड़ी में। कंफर्टेबल है ना पीछे, मतलब बस ये बुलेट की सीट के कारण दिक्कत हो रही है हमें, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चलाने से ज्यादा पीछे बैठने में कंफर्टेबल है, पता सच में मैं पता ऐसे टेक लगा के ऐसे, अरे मेरे को चलाने में ज्यादा सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे चौड़ा है ना, मैं पीछे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। यहाँ से चितकुल के लिए अलग रास्ता है, यही है नाम है शायद। करचम डैम से अगर आप चितकुल जा रहे हो तो आपको राइट लेना पड़ेगा, और यहाँ से कितना 40 किलोमीटर है ना, अभी यहाँ से 41 अभी यहाँ से 41 किलोमीटर पड़ेगा, तो लगभग 1-1.5 घंटा लग ही जाएगा हमें, क्योंकि जो आगे का रास्ता है वो शायद उतना अच्छा नहीं है, और बाकी आपके सामने होगा जो होगा, देखते हैं। 1 घंटे के ऊपर 1 घंटा चंडीगढ़ जाने लगी। भाई मैंने सपना के गाने श्रीलंका में भी सुने थे, मतलब इतनी फेमस हो रखी है। रेडी 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 लगभग 150 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद हम इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे पहुंच गए हैं, यानी यहाँ पर ITBP की एक चेक पोस्ट है, और इस चेक पोस्ट से आगे हमें जाने की परमिशन नहीं है। आप जो पीछे देख रहे हो ना, इसके आगे नॉर्मल लोग नहीं जा सकते, तो टूरिस्ट के लिए तो मुझे लग नहीं रहा कि जाने देंगे। बाकी बाइक अभी हमने ऊपर खड़ी कर दी है। अभी जो हमारी ITBP के जवान थे उनके साथ बातें हो रही थी, और उन्होंने बताया कि अब जैसे बर्फ़ पिघल रही है तो ये छोटे मोटे ग्लेशियर से बने हुए हैं, तो ग्लेशियर पिघलने की बहुत मस्त आवाज़ आती है, बिजली कड़कने जैसी। बसपा रिवर है। कौन सी? बसपा। बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी। बसपा रिवर। देखिए तो गाइस अभी तो ये वीडियो बना पा रहा हूँ मैं, ये नवंकुर भाई के कारण बना पा रहा हूँ। सो नवंकुर भाई बिग थैंक्स। बाकी पानी बहुत ठंडा है। चिलकुट चिलकुट से अभी हम आगे 3 किलोमीटर आ गए हैं। तो आमिर, जो लोग स्पीति वैली को कवर करने आ रहे हैं उनको तू रिकमेंड करेगा या नहीं करेगा? क्या करेगा? करूँगा। क्यों? क्यों? रास्ता देख ले कितना मजेदार था। अभी तक हमें वो हाई एल्टीट्यूड वाली दिक्कतें फेस नहीं करनी पड़ी है कि ऑक्सीजन का लेवल लो हो गया है या फिर और कोई दिक्कतें। हाँ, जब ऊपर चढ़ रहे हैं तो थक जल्दी जा रहे हैं, वो थोड़ी ऑक्सीजन कम है यार ऊपर नीचे से तो, लेकिन उतना कोई वो नहीं है। तो जो आप पीछे देख रहे हो यही है चितकुल का लास्ट पॉइंट, जिससे आगे सिविलियंस नहीं जा सकते। और यहाँ से लगभग 30 से 40 कितना है, 30 से 40 है ना क्या चाइना बॉर्डर? 50-70 होगा, 50 से 70 किलोमीटर तक चाइना बॉर्डर पड़ जाता है। और यहाँ से आगे सिर्फ उनको परमिशन मिलती है जो ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, और उनको शायद अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ता है। इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और यहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो है लगभग 11,500 फीट, तो ऑलमोस्ट 3,400 या 3,500 मीटर। साइडों में बर्फ़ पड़ी हुई है, ऊपर से तगड़ी धूप, और इधर हम सिर्फ टी शर्ट में। बाय भैया। आमिर, नेटवर्क 4G या 3G नहीं है भाई जी? यहाँ पे सिर्फ BSNL का नेटवर्क आता है क्या? आपने तो एकदम सुपरमार्केट बना रखा है भैया। भैया पीनट्स ले दीजिए 2 पैकेट। सिम हाथ हाथ मिल जाती है क्या BSNL की? सिम के लिए 2-3 दिन लगते हैं। हाँ, तो BSNL में और तो क्या नहीं, पीनट्स ले लिए, पानी हो गया। बाय बाय जी। और सबसे अच्छी बात, रेट एकदम वही है ना आमिर, 1 रुपये भी फालतू नहीं लिया ना। हमने एक ड्यू ली थी जो छोटे वाली आती है ना, 300 ml की, 20 रुपये के नीचे मिलती है, 20 रुपये कहीं पे मिली थी। और 2 पीनट्स के पैकेट लिए थे, वही 10-10 रुपये के, तो रेट्स में कोई फ़र्क नहीं है। चितकुल, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। यहाँ की लैंग्वेज भी अलग हो जाती है, किन्नौरी लैंग्वेज। तो यहीं पर ख़त्म होती है हमारे चितकुल की राइड। चितकुल से 3 किलोमीटर आगे आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो व्यूज़ है ना यार, ऊपर बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, नीचे वैली, उधर बाइक, उधर आमिर, और इधर मैं, और इधर माइलस्टोन। अकेली वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करोगे। और महंगा लग रहा है क्या भाई तेरे को आमिर? मजाक की बात नहीं यार, अगर मान लो कि आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है तो और भी बहुत तरीके हैं, आप हिच हाइकिंग के थ्रू आ सकते हो। यूँ मान लो कि 1 या 2 घंटे में आपको ठीक ठाक लिफ्ट मिल जाएगी जो आपको लगभग 50 से 60 किलोमीटर तक आगे छोड़ दे। और अगर आप भाई अगर हिच हाइकिंग के थ्रू नहीं आना चाहते तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। तो हिमाचल रोडवेज़ की सर्विस बहुत अच्छी है, आप इसके ऊपर ईजिली रिलाय कर सकते हो। चलो बस गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। और जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और स्पीति ट्रिप के बाद कुछ अच्छा होने वाला है, वो बाद में बात करते हैं। तो बस गाइस, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।